बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 फरवरी सन 2021 और दिन है बुध का। ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास हुआ और ओमान सुप्रीम कमेटी ने फैसला किया है कि ओमान के कुछ इलाकों में जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा, यानी जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको बैन किया जाएगा कुछ जगह पर, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी बैन की जाएंगी। तो नॉर्थल शिरकिया गवर्नरेट में, जो नॉर्थल शिरकिया का इलाका है, उसमें जो जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो तमाम शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। पूरे ओमान में जो बीचेस वगैरह हैं, जो पब्लिक पार्क हैं, वो बंद रहेंगे और ये नाफ़स होगा। यानी नॉर्थल शिरकिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इसका जो टाइम है वो है जुमा 12 फरवरी 2021 से स्टार्ट होगा और ये 14 दिन के लिए है। इसके बाद में जो बीचेस और पार्क वगैरह हैं वो बंद होंगे जुमे रात 11 फरवरी 2021 से, और ये भी 14 दिन के लिए है। इसके बाद में गवर्नमेंट के जो ऑडिटोरियम हैं, इसके बाद में जो हॉल वगैरह हैं, इसके बाद में जो शॉपिंग मॉल हैं, इसके बाद में जो कैफ़े वगैरह हैं, हुक्का होटल है, इसके बाद में जो रेस्टोरेंट हैं, अगर उनमें 200 आदमी की कैपेसिटी मौजूद है तो उसमें सिर्फ 100 आदमी ही अलाउड होंगे। यानी 200 की कैपेसिटी है तो 100 आदमी अलाउड होंगे, 100 आदमी अलाउड नहीं होंगे। इसके अलावा आप तो जानते हैं इस वक्त ओमान ने अपने लैंड बॉर्डर बंद किए हुए हैं, और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि अगर ओमानी वापस आना चाहते हैं तो वो लैंड बॉर्डर के रास्ते वापस आ सकते हैं, और उनको मज़ीद 10 दिन का टाइम दिया गया है कि आपके पास 10 दिन का टाइम है तो आप ओमान में आना चाहते हैं बॉर्डर के रास्ते तो आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंटीना करना होगा उसका जितना भी पैसा होगा वो खुद आदमी का होगा। इसके अलावा जितने भी इंट्री के रास्ते हैं, जो भी शख्स ओमान में इंटर होगा तो उसको करंटीना करना होगा, और उसको जो भी फीस वगैरह हैं और जो भी उसके चार्जर हैं वो खुद ही पे करने होंगे। और इसके अलावा जो कुछ दूसरा कहा गया है कि जो कोई भी ओमान में मौजूद है, वो चाहे खारजी है चाहे ओमानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हालात हों तो तब ही वो ओमान से बाहर सफ़र करे, इसके अलावा वो सफ़र ना करे। और इसके अलावा जो भी सुप्रीम कमेटी ने रूल बताए हैं इस बीमारी के हवाले से, वो मस्ट आपने फॉलो करने हैं ताकि आप महफूज रह सकें और एक तो बीमारी भी ज़्यादा ना फैल सके। अगर आप सुप्रीम कमेटी के रूल को तोड़ते हैं तो आपका नाम और आपकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शाया की जाएगी। तो ये थी सुप्रीम कमेटी के हवाले से एक न्यूज़ जो आज ही आई है। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी और मालूमती वीडियोस के लिए। इसके हवाले से कोई दूसरी न्यूज़ आएगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी जैसे ही दूसरी अपडेट आती है। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।